हेलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू के अंदर का क्वेश्चन नंबर टू इसके अंदर भी फिफ्टीन क्वेश्चन है तो पांच पांच क्वेश्चन के वीडियो बना के हम लोग इसको देखेंगे इस वीडियो के अंदर पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर सिक्स टू टेन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करते जाएंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन है देखिए अभी सब्सिट्यूशन से कैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर देखे थे तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके ही हम लोगों ने सॉल्व किया था लेकिन आ, उसके अंदर हमारा जो टेक्निक्स थी इंटीग्रेट करने की तो वो विदाउट सब्सिट्यूशन था ठीक है ना अब जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तब उस समय आपको लिमिट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर देखना ठीक है तो so इंटीग्रेशन तो आप एज यूजल मेथड से करेंगे जैसे सब्सिट्यूशन से करते थे लेकिन ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इन लिमिट्स में क्या चेंज आता है ये आपको देखना है सो so सबसे पहला वाला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दैट इज साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू डी एक्स और लिमिट्स है जीरो से लेकर तो वन बाय रूट टू अब इसको अच्छे से देखना ठीक है तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर

डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट हमें क्या मिलेगा सो so, इसका डेरिवेटिव आएगा वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसका आएगा डी टी बायस जिसके अंदर का dx मैं लेफ्ट को ले आता हूं तो राइट right में बचेगा सो वी कैन रिप्लेस वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्सर डीएक्स बाई डी टी और साइन इनवर्स पर आएगा टी अब एक्स का क्या करें, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स इक्व टू टी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या रहेगा एक्स इक्व टू साइन टी रहेगा ये तो ना आप अगर साइन इन्वर्स समझने के लिए तो बेसिकली दोनों की तो तरफ साइन अप्लाई कर दो रेशो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट में बचेगा एक्स और राइट में साइन टी तो जब आप साइन इनवर्स एक्स इक्व टी पुट करते हो तो इसका मतलब होता है कि एक्स इक्व टू साइन टी है तो अब ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स के लिए सब्सिट्यूशन लेकिन आप जो सब्सिट्यूशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स में क्या क्या चेंज होंगे ये भी आपको लिखना पड़ेगा सो so, जब आप देखो जब आप इस वेरिएबल को लेके सॉल्व कर रहे होते हो तब एक्स की जगह पर आप जीरो रखते हो एक्स की जगह पर वन बाय रूट टू रखते हो लेकिन क्योंकि आप साइन इनवर्स एक्स की जगह पर यह सब्सिट्यूशन कर रहे हो तो इस हिसाब से आपका जब x का वैल्यू जीरो रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा ये आपको निकालना पड़ेगा अगर आप ये सब्सिट्यूशन यूज कर रहे हो तो आपने सब्स किया है साइन यूनिवर्स एक्स इज इक्वल टू टी नाउ वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट्स देखेंगे वेन एक्स इज इक्वल टू देन जब एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा तब टी क्या रहेगा सो so, एक्स का वैल्यू जीरो डालिए इसके अंदर तो साइन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो होता है देन टी इज टू जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा तब टी का वैल्यू भी आपको जीरो मिलेगा जब एक्स का वैल्यू वन बाय रूट टू रहेगा Then, T क्या रहेगा टी इज इक्व साइन इनवर्स ऑफ वन बाई रूट टू अब आप देखिए कौन सा एंगल होता है पाई फोर एंगल होता है, जिसका by है। जिसका तो, का वैल्यू आता तो टी का वैल्यू क्या मिला पाइव बाई फोर तो लिमिट्स क्या बन गए आपके जीरो से वन बाय टू की जगह जब आप साइन यूनिवर्स एक टी सब करेंगे तब जीरो की जगह लिमिट आएगा जीरो और वन बाय रूट टू की जगह लिमिट आएगा फाइव बाय फोर समझे बात को तो ये सब ये ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जब आप सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो जब आप इंडिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे तब ये वाला पार्ट नहीं था क्योंकि वहां पर लिमिट्स नहीं थे तभी भी आप इंटीग्रेट कर ही रहे थे जब आपके पास लिमिट्स नहीं थे तब आपको इंटीग्रेट करना था लेकिन तब आपके पास सिर्फ इतना ही था आपको यही सब करना होता था सब्सिट्यूशन में लेकिन जब आप डिफरेंट इंटीगल को सॉल्व करते हो और मेथड ऑफ सब्स्यूशन से करते हो तो इसके साथ में आपको इस चीज को भी अच्छे से समझना है तो जिसका ये सही आ गया उसका एग्जाम्पल आगे सही आ जाता है ठीक है सो so आप सब्सटूशन करेंगे सो देयर फोर आई इज इक्वस टू इसको I बोलेंगे लेट आई बी इक्वस टू ठीक है सो so I क्या बन गया आपका लिमिट्स क्या आएगा जीरो से पाई बाय फोर जीरो से पाई बाय फोर साइन यूनिवर्स एक्सी जगह पर टी डिवाइडेड बाय वन मार ये और डी एक्स बन गया है डी टी और अभी इस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे एक्स की जगह पर साइन टी क्योंकि देखिए आप साइन यूनिवर्स एक्सी जगह पर टी रख रहे हो तो पूरा का पूरा इंटीग्रेंट जो है वो आपका टी वेरिएबल में ही चाहिए सो वन माइनस एक्स स्क्वायर तो आपने साइन यूनवर्स एक्स टी रखा है इसका मतलब एक्स का वैल्यू साइन टी है तो एक्स की जगह पर साइन टी रखेंगे हम लोग सो वन माइनस साइन टी इन टू और ये डी एक्स जो है इसकी जगह पर क्या आएगा हाँ ये तो बन गया है डी टी हमारा ठीक है वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन गया है तो वन माई ये वन माइनस साइंस स्क्वायर टी क्या होता है ये जीरो से पाई बाय फोर तक एज इट इज ये टी एज इट इज इन टू वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा होता है कॉसो स्क्वायेयर थीटा सो टी बाय कॉस स्क्वायेयर टी इन टू डी टी सो इसी को मैं लिखूंगा जीरो से पाई बाय फोर टी इन टू वन बाय कॉस सॉरी वन बाय टी को मैं लिखूंगा सी को टी और ये डी टी ठीक है सो so, इस प्रकार से मैंने आपको सब्सटीट्यूशन करके इसको इंटीग्रेट करने के फॉर्म में ला के रखा है मतलब अब ये इस सिचुएशन में आया है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है सो so, इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो मैं ऊपर का हटा देता हूँ ठीक है चलिए अब आपके पास है ये जीरो से पाई बाय फोर टी इंटू से का स्क्वायर टी डी टी सो so, देखते ही समझ में आ जाता है कि बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज करना है सो so, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन से का टी का इंटीग्रेशन टेन टी पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज वन और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज टेन टी इंटू डी टी ठीक है सो so, पाई बाय फोर इंटू टेन पाई बाय फोर यहाँ पर तो आप डायरेक्टली सब्सटीशन कर सकते हो जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो ही बन जाएगा माइनस इसको आपको इंटीग्रेट करना है ठीक है सो so, ये तो टेन टी का इंटीग्रेशन है तो जो क्या होता है लॉग ऑफ मोड़ सेक एक्स होता है ठीक है सेक टी होगा टेन टी का इंटीग्रेशन और बाहर पाई बाय फोर से लेकर तो जीरो मतलब जीरो से लेकर तो पाई बाय फोर सो टेन पाई बाय फोर का वैल्यू क्या one आता है बेटा वन आता है सो पाई बाय फोर माइनस अब यहाँ पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे सो so, टी की जगह पर पाई बाय फोर रखेंगे सो लॉग ऑफ मॉड सेक पाई बाय फोर माइनस लॉग ऑफ मॉड सेक ज़ीरो ठीक है सो so, ये पाई बाय फोर एज इट इज़ माइनस सेक पाई बाय फोर का वैल्यू क्या होता है पाई बाय फोर मतलब फोर्टी फाइव डिग्री कॉस फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू तो सेक का वैल्यू होगा रूट टू सो लॉग रूट टू आपको मिलेगा माइनस सेक ज़ीरो का वैल्यू वन आता है और लॉग वन का वैल्यू क्या होता है जीरो सो so, ये बन जाएगा ज़ीरो सो so फाइनली आपको आंसर मिलेगा पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू ठीक है सो दिस इज आवर फाइनल आंसर बेटा समझ में आई बात सो so इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया है और आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से सब्सटीट्यूशन में लिमिट्स चेंज होते हैं तो इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स है तो वो मैं आपको क्या करूँगा सब्सटीट्यूशन तक बताऊंगा कि कैसे करते हैं लिमिट्स में क्या क्या चेंज होते हैं उसके बाद में आपको करना है खुद ठीक है तो चलिए पहला एग्जाम्पल था इसलिए मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया अब आगे सिर्फ मैं हिंट देते जाऊंगा आपको आपको खुद उसको सॉल्व करना है हिंट मतलब मैं फिर भी मैं काफी एग्जाम्पल काफी हद तक सॉल्व करके बताऊंगा आपको जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है तो लेट आई बी इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय फोर सेक्वायर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री टैन स्क्वायर एक्स प्लस फोर टैन एक्स प्लस वन डी एक्स अब आप मुझे बताइए ये देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर सब्सिटीट्यूशन क्या आएगा टेन एक्स की जगह पर टी सब्सिट्यूट करना है क्योंकि से क स्क्वायर एक्स डी एक्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू डी टी सो सब्सिट्यूशन रहेगा पुट टेन एक्स इज इक्व टू टी टेन एक्स इज इक्व टू टी रखेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मिलेगा से स्क्वायर एक्स इज इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स सो ये डी एक्स जो है लेफ्ट में लेके आएंगे सो so, से क स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा डी टी

सो so, सोटी आपको मिलेगा टेन जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू यहां पर रखनी है आपको सो टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड वेन एक्स इज इक्व टू पाई बाई फोर और जब एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर होता था तो अब इस सब्सटीट्यूशन से टी को वैल्यू क्या मिलेगा सो टेन पाव बाय फोर का वैल्यू वन तो देख रहे हो आप सब्सिट्यूशन के वजह से लिमिट्स में क्या चेंज आया सो देयर फोर आपको जो इंटीग्रल सॉल्व करना है तो वो कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा लिमिट्स आएंगे जीरो से वन ठीक है पहले के जीरो की जगह जीरो आ रहा है फाइव बाय फोर की जगह वन आ रहा है और सब्सटीट्यूशन से का एक्स डी एक्स बन गया डी टी दैट मीन्स न्यू माइटर में वन आएगा और नीचे आपके पास से थ्री टी स्क्र प्लस फोर टी प्लस वन इंटू डी टी अब क्या आपको लगता है कि मुझे इसके आगे बताना की जरूरत है चले फिर भी एक दो स्टेप बता देता हूँ देखिए आपको पता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हो होल स्क्वायर से सो होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है थ्री को कॉमन लीजिए सो थ्री को बाहर ले लिया वन बाय यहाँ पर क्या बचेगा टी स्क्र प्लस फोर बाय थ्री टी प्लस वन बाय थ्री एंड डी टी ठीक है अब आप लोग यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड आउट कीजिए इसका होल स्क्वायर बनाइए और फिर वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके आगे मुझे सॉल्व करके देने की जरूरत है यहाँ से आगे आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि इंडिफेनेट में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है अच्छे तरीके से ठीक है तो आंसर आने के बाद फिर से t की जगह tan x रखने का अभी गर जरूरत नहीं होता है डिफिनेट इंटीगल में इनडिफिनेट इंटीगल में आप लोग क्यों करते थे ऐसा क्योंकि जब हम लोग इंडिफिनेट इंटीगल को सॉल्व करते थे तब हमारा आंसर ही वेरिएबल के फॉर्म में आता था, था मतलब फंक्शन ही मिलता था हमें इसलिए ऐसे चेंज करना पड़ता था लेकिन डिफिनेट इंटीगल में एक बार आपने सब्सिट्यूशन कर दिया तो लास्ट में जब आप इंटीगल फाइंड आउट करते हो इन टर्म्स ऑफ टी तो उसके अंदर आपको वहाँ पर टी रहे एक्स रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको क्या करना होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करके आपको नंबर मिलता है आंसर में तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो जो भी मिलेगा आपको टेन इनवर्स ऑफ समथिंग ठीक है ना तो कोई ज़रूरत नहीं उसको फिर से रिसब्टिट्यूशन करने की आप सीधा वैल्यू रख दो समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ तो इसको आप एज़ यूजल सॉल्व करो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करो एक्स स्क्वायोयर प्लस वाई स्क्वायेर ए स्क्वेयर के फॉर्म में लिखो फॉर्मूला यूज़ करो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो और बात खत्म कर दो ठीक है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आगे का उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाएंगे इसको और अगर फिर भी आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हो तो समझ लेना कि फिर आप लोगों ने इंडिफिनेट इंटीग्रल अच्छे से नहीं किया है और फिर वो करने पहले उसको करना चाहिए आपको ठीक है ना चलिए नेक्स्ट थर्ड के अंदर है आपके पास जीरो से लेकर तो पाई बाय फोर है और यहाँ पर है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेस टू फोर एक्स प्लस कॉस रेस टू फोर एक्स तो सबसे पहले तो इसको का बनाया जाए सो कॉस रेस टू फोर एक्स से डिवाइड करना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर सो कॉस रेस टू फोर एक्स से डिवाइड करेंगे इसको ऊपर और नीचे साइन टू एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फिर न्यूमरेटर को कॉस रेस टू फोर एक्स से डिवाइड करना है सो कॉस रेस टू फोर एक्स को ही लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है डिवाइडेड बाय साइन रेस टू फोर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू फोर एक्स प्लस कॉस रेस टू फोर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस रेस टू फोर एक्स और ये डी एक्स है ठीक है सो so ये कॉस एक्स कॉस एक्स के साथ में कैंसल हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स बन जाएगा दैट इज टू टाइम्स टेन एक्स फिर ये जो वन बाय कॉस स्क्वायर था तो ये बन जाएगा से स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय आपके पास है टेन रेस टू फोर एक्स प्लस वन और डी एक्स जीरो टू फाइव बाय फोर मैं अब तक कुछ मैंने अब तक कुछ नहीं किया है बस इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में ला रहा हूँ ताकि मैं ढंग का कर पाऊँ अभी टेन एस टू फोर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए टू टेन एक्स इन टू स्क्वायर एक्स है मेरे पास सो so, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस वन डी एक्स सो अब मैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर अगर टी रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा पुट टेन स्क्वायर एक्स इज इक्व टू टी सो टू टैन एक्स इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू टैन एक्स इंटू सेक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मतलब ऊपर का न्यूमरेटर और डी एक्स सबका सब डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटीग्रल हाँ अब ये सब्सटूशन जब आप कर रहे हो तब इसके साथ में लिमिट्स का भी आपको सब्सटूशन देखना पड़ेगा सो so, ये तो बन गया आपका ये अब आप जब एक्स जीरो रहेगा आपका वैन एक्स इज जीरो वैन एक्स इज जीरो देन t का वैल्यू क्या रहेगा ये आपको देखना है सो so, t क्या है टेन स्क्वेयर एक्स है तो x का वैल्यू यहाँ पर रखना है सो so, x का वैल्यू जीरो यहाँ पर रखा तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो आता है जीरो का स्क्र जीरो आएगा तो t भी जीरो रहेगा एंड वे वेन एक्स इज इक्व टू पाइव बाई फोर और जब x पाइव बाई फोर रहेगा तब t रहे रहे tan, का वैल्यू क्या रहेगा वन रहेगा क्योंकि टेन फाइव बाय फोर का वैल्यू वन आता है वन का स्क्वायर वन ही आएगा ठीक है So, इस के से लिमिट्स में ही इस प्रकार से चेंज हो रहा है तो आपका जो नया आ रहा है इंटीग्रांड वो कैसे आएगा जीरो से वन न्यूमरेटर पूरा डी में कन्वर्ट हो रहा है और डिनॉर्डर में आपके पास है इसकी जगह पर आ रहा है टी सो so, टी स्क्वायर प्लस वन डी ठीक है बेटा तो इस तरीके से आप इसको तो आप लोग कर ही सकते हो ये क्या एक्स स्क्र प्लस ए स्क्वायर मतलब इसका क्या आता है टेन इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ तो टी तो ये आएगा इसका इंटीग्रल और वन ज़ीरो तो रख दो आप पर टेन यूनवर्स वन माइनस टेन यूनवर्स जीरो टेन यूनवर्स जीरो का वैल्यू आता है जीरो टेन इनवर्स वन का वैल्यू आता है पाई बाई फोर तो आंसर आएगा पाई बाई फोर ठीक है सो so, ये तो ये आंसर मतलब ये खूब बहुत ही आसान सा था इसका इंटीग्रल इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई वरना मैं ये भी होमवर्क के लिए दे देता दे तो था आपको तो ठीक है बेटा ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन चलिए फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ दो मिनट के लिए पॉज करता हूँ चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव देख लेते हैं सो so, फोर्थ के अंदर फंक्शन दिया है जीरो लेकर तो टू पाई तक लिमिट्स है और फंक्शन है रूट कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डीएक्स अब सबसे पहले मुझे इसको सब्सटीट्यूशन क्या करूँ ये मुझे समझ में आना चाहिए ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको कौन एक्स दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सक साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ जीरो टू टू पाए रूट कॉस एक्स एज इट इज इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इसमें कुछ दिक्कत है आपको मैंने सिर्फ साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायेयर एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है अब आगे जीरो टू टू पाए रूट कॉस एक्स एज इट इज है साइन स्क्वायेर एक्स को मैं वन माइनस कॉस एक्स लिख रहा हूँ ऐसे क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा क्योंकि मुझे सब्सटूशन में दिख रहा है कि अगर मैं कॉस एक्स की जगह पर टी रख देता हूँ तो साइन एक्स डी एक्स बन जाएगा माइनस डी टी और मेरा इंटीग्रल आर आसानी से सॉल्व हो जाएगा सो so अब मैं सब्सिट्यूशन कर सकता हूँ दैट इज पुट कॉस एक्स इज इक्व टू टी और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी दैट इज़ मुझे साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू मिलेगा माइनस डी टी ठीक है अब जबकि मैंने ये सब्स्यूशन किया है तो उस हिसाब से लिमिट्स में क्या फर्क मिलेगा मुझे सो वन एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे देखिए यहां पर जब एक्स का वैल्यू जीरो रखा जाएगा तब टी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको सो so एक्स का वैल्यू जीरो रखें तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन तो जब लिमिट जीरो है तो जीरो की जगह रिप्लेसमेंट आएगा टी का वन जब आप कॉस एक्स की जगह पर टी रिप्लेस कर रहे हो तब जीरो की जगह लिमिट का रिप्लेसमेंट आएगा वन और जब और टू पाई के लिए क्या रिप्लेसमेंट आएगा टू पाई कॉस टू पाई का वैल्यू क्या होता है वो भी वन ही होता है सो so, इसका भी रिप्लेसमेंट आएगा वन सो देर फोर आपका इंटीग्रल क्या बन रहा है वन से लेकर तो वन तक इसका लिमिट की जगह वन आएगा इसकी जगह पर वन आएगा और अंदर देखिए क्या हो रहा है रूट टी कॉस एक्स की जगह पर टी आ रहा है और यहां पर अंदर वन माइनस टी स्क्वेयर और साइनस जीएस की जगह पर माइनस डी टी अब आप मुझे बताइए आपको दिख रहा है लिमिट दोनों के सेम है तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा जीरो सिंस हमें प्रॉपर्टी पता है सो so यहाँ पर रीज़न में प्रॉपर्टी लिख देंगे सिंस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आता है ज़ीरो आता है ठीक है ना सो so ये एग्ज़ाम्पल बहुत आसान था अगर आप लोग इसको भूल जाते हो इस प्रॉपर्टी को तो आप इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे ठीक है और आगे जाके भी आपको वही आंसर मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको जल्दी आंसर मिलेगा अगर प्रॉपर्टी पता है तो ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो अभी क्वेश्चन नंबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो so जीरो से पाई बाय टू तक है वन प्लस फाइव प्लस फोर टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स अब आपको पता है बेटा ये स्पेसिफिक फॉर्म है इस टाइप का हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा है कि जिसके अंदर ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स टाइप के एग्जाम्पल आते हैं या फिर ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स इस टाइप के तो आपको पता है कि हम लोग कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है सो so आप लोगों को पता है कि कॉस एक्स की जगह पर आप इसको रख देते हो फिर आप लोग कैलकुलेशन करते हो और टेन एक्स बाई टू की जगह पर सब्सटीशन करते हो सो so अगर मैं कॉस एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख देता हूँ सो so, मुझे क्या मिलेगा वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है और यहाँ पर आएगा डी एक्स अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो so, ज़ीरो से पाई बाई टू तक ये फाइव इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस फोर टाइम्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू जो ऊपर चला जाएगा समझ लो मैंने क्या किया मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसके साथ में फिर ये तो एज इज़ रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर दोनों का है इसको ऊपर ले गया मैं अब ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बेटा जीरो टू फाइव बाई फोर न्यूमाइटर बन जाएगा से स्क्वायेर एक्स बाय टू डिवाइडेड एज इट इज रहने दो इसको वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस फोर टाइम्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू सो so, जब भी आपको इस टाइप का एग्जाम्पल दिखेगा हम लोग ये टाइप का चेंज करते हैं ये मैंने आपको तभी बताया था ठीक है यहां पर साइन एक्स भी आ सकता है या फिर साइनक्स कॉसिक दोनों साथ में भी आ सकते हैं ठीक है तो उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने बताया है अब सीधा सब्सिट्यूशन आएगा दैट इज पुट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी सो पुट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी रखेंगे सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा से स्क्र एक्स बाय टू और एक्स बाय का डेरिवेटिव वन बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सो so, आपके पास न्यू मर्डर में है से का एक्स बाई टू इंटू डी एक्स टू उधर चला जाएगा तो टू डी टी मिलेगा ठीक है सो so, ये जो से स्क्र एक्स बाई टू डी एक्स है इसका वैल्यू आपको मिलेगा टू डी टी और टेन एक्स बाई टू की जगह पर आएगा टी ठीक है सो so, अब इस सब्सटीब्यूशन के लिए आपके लिमिट्स क्या चेंज हो गए सो वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो जब आपका एक्स जीरो है तब टी का वैल्यू क्या रहेगा सो so, जब एक्स जीरो है तो यहाँ पर रखिए सो टेन ज़ीरो का वैल्यू जीरो सो टी का वैल्यू जीरो मिलेगा एंड जब x का वैल्यू पाई बाई टू है तब t का वैल्यू क्या मिलेगा देखिए x की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो बन जाएगा पाई बाई फोर सो so, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू आता है वन ठीक है सो so, इस तरीके से आप इसको पॉज करके लिख लेना मैं हटा देता हूँ इसको इस तरीके से आपके लिमिट्स चेंज हो गए हैं और आपका सब्सटीट्यूशन से आपका इंटीग्रल बन जाएगा ज़ीरो से वन तक ये तो पूरा टू डी टी बन चुका है और डिनार्डर में आपको मिलेगा फाइव टाइम्स वन प्लस टी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए सो टू डी टी डिनर में आपके पास so से फाइव प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टी स्क्वायर, ठीक है सो जीरो से वन टू डी टी इसको हटाता हूँ मैं डिवाइडेड बाय फाइव प्लस फोर वन प्लस टी स्क्र कितना सिंपल बन गया ये टू को बाहर ले लीजिए ज़ीरो से लेकर तो वन तक देखिए इक्व टू टू टाइम्स वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर डी टी अब इसके आगे तो आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या आएगा इसका इंटीग्रल आएगा टू टाइम्स ये टू बाहर का है इसका इंटीग्रल आएगा टेन इनवर्स टी टेन इनवर्स टी और ये है वन टू जीरो अब ये रख दो इसके अंदर वैल्यू टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स जीरो चलिए कर ही देता हूँ मैं सो टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो आएगा टेन इनवर्स वन का वैल्यू आएगा फाइव बाय फोर सो टू इन टू फाइव फोर विच इज़ नथिंग बट फाइव बाई टू फाइनल so, आंसर आएगा आपका पाई बाय टू सो so, ये था क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन। एक सेकेंड यहाँ पर कुछ गलती हो गई है हाँ गलती क्या हुई है फाइव टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर टी स्क्वायर आता है लेकिन फाइव प्लस फोर नाइन आता है तो गलती बस इतनी हुई है कि नाइन प्लस टी स्क्वायर है ये तो ये थ्री स्क्वायर लिखेंगे हम लोग नाइन को लिखेंगे थ्री स्क्वायर सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो बस इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा वन बाय ए ये टू ऑलरेडी बाहर है आपके पास में तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वन बाय ए दैट इज़ वन बाय ए मतलब वन बाय थ्री एंड टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए मतलब टी बाय थ्री ठीक है और ये आएगा वन से ज़ीरो अब आप लोग वैल्यू रखेंगे तो टू बाय थ्री इन टू ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स वन बाय थ्री माइनस टेन इनवर्स जीरो तो ठीक है फाइनल आंसर रहेगा टू बाई थ्री इंटू टेन इनवर्स वन बाय थ्री क्योंकि ये टेन इनवर्स वन बाई थ्री के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है सो so, मैंने यहाँ पर गलती इस एडिशन में गलती की थी इसलिए इंटीग्रेशन अलग आया था उस हिसाब से सही था लेकिन मैंने यहाँ पर तो गलती कर दी ना तो ये है बेटा फिफ्थ का सही आंसर तो बाकी बचे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सिक्स टू टेन क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे गुड बाय